अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड के क्या फ़ायदे होते हैं कैट्स एंड डॉग्स के अंदर। कैट्स एंड डॉग्स की प्रेगनेंसी का पता लग जाता है, इनमें और भी प्योमेट्रा इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे पता लग जाता है। यहाँ तक कि आपको इससे ये भी पता लग जाता है कि आपकी जो अप्रोक्सीमेटली बच्चे हैं जो बेबीज़ हैं वो कब डिलीवर होने वाले हैं, डेड हैं, क्या हिसाब किताब है, सारा कुछ पता लग जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप लोगों को अल्ट्रासाउंड करवा लें और उससे आप लोगों को आइडिया हो जाए, उसके डायग्नोसिस हो जाए, तो उससे ट्रीटमेंट जो है वो कैट्स का बहुत अच्छा हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है और आपकी कैट या डॉग जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सेहतियाब हो सकती है। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट है कि काफ़ी सारे लोग हमें कह रहे थे कि यार आप अभी भी हमारे लोकेशन से काफ़ी दूर हैं लाहौर में, तो उन लोगों के लिए स्पेशली या जो भी आसपास होम विज़िट करवाना चाहते हैं क्लिनिकल वो भी करवा सकते हैं। और हमारे डॉक्टर्स जिस तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, इस तरह यहाँ पे आप लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, इसी तरह जो है होम विज़िट के अंदर भी हमारी कोशिश होगी हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों को सेटिस्फाइड करें, आप लोगों की कैट्स या डॉग्स का जो है वो ट्रीटमेंट करें। तो उसके लिए नंबर चल रहा होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। टाइमिंग जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं कॉल पे और आप लोगों को जो है वो मिनिमम चार्जेस जो हैं वो किए जाएंगे। ये होम विजिट की सर्विस स्पेशली आप लोगों के कहने पे और आप लोगों की फरमाइश के ऊपर हमने जो है वो ओपन की है, लॉन्च की है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि यार जब भी आप लोग अपनी कैट की मीटिंग करवाते हैं, आप लोग पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, किसी से पूछते हैं कि मेरी कैट प्रेगनेंट है या नहीं है, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी जो है वो हाथ लगा के 100% पता नहीं लगता कि प्रेगनेंट है या नहीं है। और ख़ास तौर पर जब कैट जो है एक माह की हो तब तो बहुत कम पता लगता है कि यार प्रेगनेंट है या नहीं। उसका सिर्फ एक ही हल है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अगर आप लोग करवाते हैं तो आप लोगों को उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर पहले तो आप लोगों को फीटस की जो एज है उसका बहुत एक्यूरेट टाइप का आइडिया हो जाएगा। लाजमी नहीं होता कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसमें 19-20 हो सकता है। उसके अलावा उसकी जो हार्ट बीट है उसका पता लग जाएगा कि ज़िंदा है या नहीं है, मुर्दा तो नहीं है कहीं उसके अंदर। उसके अलावा आप लोगों को ये पता लग जाएगा बेबीज़ जो हैं वो कब आने वाले हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को अल्ट्रासाउंड से प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके लिए अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी आप लोग एक जहन में चीज़ रखिएगा। उसके अलावा प्योमेट्रा, जिसमें कैट जब आप ज़्यादातर जो है हीट इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटी हीट इंजेक्शन, उसके लिए प्योमेट्रा बन जाता है, पसान लग जाती है, या ओपन प्योमेट्रा हो या क्लोज प्योमेट्रा हो, उसका भी अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। बहुत इजीली पता लग जाता है कि प्योमेट्रा है या नहीं है। अगर आप लोग नहीं करवाते अल्ट्रासाउंड, किसी और चक्कर में पड़े रहेंगे, आपकी बिल्ली बहुत ज़्यादा वीक होती जाएगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके केसेस यहाँ भी जोहर टाउन में भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। उसमें मैं क्लिप भी लगा दूंगा जो लास्ट हमने यहाँ पे कैथेटर किया था, उसमें भी जब आप देखेंगे ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये पिक्चर में जो ब्लैक होल है ये ब्लैडर है बेसिकली, मसाना जिसे कहते हैं, और उसके अंदर जो आपको चमकती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी जो हैं वो क्रिस्टल्स हैं। मतलब कि इतना क्लियर रिजल्ट्स होता है अगर आप लोगों को पता लग जाए उसी टाइम पे क्या मसला चल रहा है, तो उसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो जाता है और जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है और काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आपके एनिमल को कुछ भी नहीं होगा। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक अब मैं और अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊँ तो किडनी का जो प्रॉब्लम होता है उसका भी आइडिया हो जाता है, उसके साइज़ का आइडिया हो जाता है, इसी तरह लीवर के साइज़ का आइडिया हो जाता है, इस तरह से काफ़ी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर उसको अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है, और अल्ट्रासाउंड की मदद से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाता है। कैट्स हों, डॉग्स हों, या जो भी एनिमल्स, हॉर्सेस में भी होता है और दूसरे एनिमल्स में भी होता है, तो ये बहुत एक्यूरेट जो है वो आपको फ़ायदा देती है अल्ट्रासाउंड मशीन। लेकिन जब आप लोगों को डॉक्टर रिकमेंड कर दे एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना है या एक्सरे करवाना है तो आप लोग लाजमी करवाएं, कोई ना कोई वजह होती है कि डॉक्टर आप लोगों को रिकमेंड करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोगों के लिए। मेरा समझाने का सिर्फ ये मकसद था कि अगर आप लोगों के पास अल्ट्रासाउंड की कहीं भी फैसिलिटी अवेलेबल है तो लाजमी उसको अवेल करें, आप लोगों का ही फ़ायदा और आप लोगों के कैट्स या डॉग्स का फ़ायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।